लोगों का स्वागत है। क्राइम रोकने का दायित्व पुलिस का है। क्राइम रोकने के लिए पुलिस नई तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा कहना है मुंबई पुलिस आयुक्त संजय बर्वे का। मुंबई मराठी पत्रकार संघ में आयोजित विशेष वार्तालाप में अपनी बात रखते हुए पुलिस आयुक्त ने आगे कहा कि पुलिस महकमा अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। देश और समाज के हर व्यक्ति नागरिक को पुलिस की सहायता करनी चाहिए, पुलिस को हर मुमकिन सहायता करनी चाहिए। अखबारों में जो खबरें आती है उन खबरों का सबूत होने के कारण इन खबरों पर भरोसा किया जा सकता है, पर जो खबरें सोशल मीडिया में आती है उसका कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं होता, वह आती और चली जाती है। हालांकि सोशल मीडिया से कुछ खबरें हमें पता चल जाती है, जैसे कि एक महिला पुलिस कर्मचारी ने एक शराबी व्यक्ति को अपनी तनख्वाह हवा में उड़ाते देख लिया और जमीन पर पड़े रुपए पैसे जमा कर उसे साथ लेकर उसके घर छोड़ दिया। यह काम एक पुलिस ही अच्छी तरह कर सकती है। ऐसा संदेश समाज को और हमें सोशल मीडिया से पता चली और हमने उस महिला कर्मचारी को सम्मानित किया। आज सोशल मीडिया का जमाना है, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, इसमें कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। हमारे खिलाफ अगर कुछ आया तो देख लेंगे, वह बात अगर सच है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा और अगर झूठ हो तो उन पर सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। वही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अच्छा इस्तेमाल करो तो वैसे उसका लाभ है और गलत इस्तेमाल करे तो बड़ी हानिकारक है। हम नहीं कह सकते हैं कि सोशल मीडिया बुरा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जो गुनाह करेगा, कानून तोड़ेगा, उसके ऊपर कार्रवाई तो होकर ही रहेगी, चाहे वह कोई भी हो। हमारे लिए सभी सामान्य है, BMW से जाने वाले भी और मारुति अल्टो से जाने वाले भी। हम सिर्फ सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। पुलिस कर्मचारियों की अशियाना का बहुत बड़ा सवाल है। मुंबई पुलिस में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी थाने डोंबिवली से मुंबई आते हैं, आने जाने में उनका ज्यादातर वक्त जाया होता है। उन्हें मुंबई में घर मिले ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। जगह की कमी के कारण यह बड़ा प्रश्न है, पर हमने राज्य शासन और राज्य सरकार को इस संदर्भ में प्रस्ताव भेजा है और शासन इस बारे में सकारात्मक है। स्वतः वीडियो तैयार करता टाकता
व्हायला पाहिजे पोलीस स्थानकाकडून. मिसिंग पर्सनसाठी आवश्यक ती कारवाई पोलीस ठाण्याकडून केली जाते. ते कधी नातेवाईकांकडे गेले असतात, बाहेर गेले असतात, ते जेव्हा परत येतात आणि परत दिले जातात त्याचा रेकॉर्डवरती काही येत नाही, फक्त मिसिंगच्याच कंप्लेंट्स दिसतात. त्यामुळे हे ॲनॉमलस पोझिशन आपल्याला वाटते. हे जर रिकन्साईल करून पाहिलं तर किती मिळाले याचा डाटा आपण पहा, त्यामुळे आपला हा प्रश्न आपोआपच उत्तरित होईल. उपस्थित असतो असं नाही. इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर मोस्टली नसतो. ट्रायलच्या स्टेजेस सांगतो, सगळे विटनेसेस होतात, त्यांची क्रॉस एक्झामिनेशन होते, आयोग सगळ्यात शेवटी होतो आणि त्यानंतर ऑर्डर साठी केस क्लोज केली जाते आणि त्यानंतर ऑर्डर प्रोनाऊन्स होते. जेव्हा ऑर्डर दिली जाते त्यावेळी पब्लिक प्रोसिक्युटर असतो आणि त्यावेळी पब्लिक प्रोसिक्युटर लगेच कोर्टाच्या बाहेर येऊन एक बाईट आपल्याला देतो. अँड यू बाईट दॅट बेट. त्यामुळे पब्लिक प्रोसिक्युटर दिसतो ज्याने खरी मेहनत केली तो कुठेच नसतो. आणि जर त्या आईने खरी मेहनत केली नाही, योग्य तो पुरावा प्रेझेंट केला नाही, तर पब्लिक प्रोसिक्युटर काय करणार? प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.